Question number 6. A manager plans to produce 100 bicycles with the help of 25 persons working 4 hours daily. How many bicycles can be made by 40 men if they work 3 hours daily? अच्छा इसमें question number 6 पे forward 3 variables आ जाएंगे. Full stop से पहले तक वही एक first condition और full stop के बाद दूसरी second condition. सिर्फ एक फर्क पड़ेगा कि 3 variables आ जाएंगे. Proportional table पे हम 3 variables लिखेंगे. अच्छा इसमें कहता है कि a manager plans to produce 100 bicycles. First condition क्या है हमारे पास? First condition and second condition. First condition में a manager plans to produce 100 bicycles. तो bicycles कितनी produce हो रही हैं? लिखेंगे number of bicycles. Number of bicycles. कितनी bicycles produce हो रही हैं? 100 bicycles. अच्छा second हमें जो चीज़ है इसमें given है वो है will be with the help of persons worker. तो workers कितने हैं इसके पास? Working persons या workers? कितने वर्कर्स हैं? वर्कर्स हैं हमारे पास 25. अच्छा और डेली वर्क उनका कितना है? डेली हॉर्स कितने हैं? डेली टाइम कितना है? 4 हॉर्स. क्या लिखेंगे? डेली टाइम. कितना है? 4 हॉर्स. वो दिन का कितना काम करते हैं? 4 हॉर्स. How many bicycles can be made? Number of bicycles के साथ आ गया how many. तो number of bicycles क्या हो जाएंगी? X. Second condition में full stop के बाद number of bicycles. Number of bicycles क्या है? X हो जाएंगी. Workers कितने हैं उनके पास? 40 persons. Workers 25 से किसमें चलेंगे? 40 पर. Next workers कितने हैं? Workers कितने हो गए? 40. और वो डेली वर्क कितना कर रहे हैं? इफ दे वर्क 3 हॉर्स डेली. तो उनका डेली वर्क क्या है? वर्क डेली टाइम कितना है जो काम कर रहे हैं? डेली टाइम या डेली वर्किंग हॉर्स कितना हो गया है? 3 हॉर्स. अब हम बनाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी टेबल प्रोपोर्शनैलिटी चेक करने के लिए. जैसा आप लिख लें द प्रोपोर्शनैलिटी टेबल इज The proportionality table. पहले हमने क्या कर लिया? First condition लिखी. First condition लिखी और उसके आगे ये data लिख लेना आपने ऐसा. फिर second condition लिखनी है नीचे. उसके आगे ये data लिख लेना. उसके बाद लिखे था proportionality table. Proportionality table क्या होगा हमारे पास? जो अभी जब जाने जाओ नीचे वाला proportionality table. कितने वेरिएबल्स हैं? 3 बाइसाइकल्स वर्कर्स एंड डेली टाइम या नंबर ऑफ साइकल्स. बाइसाइकल्स वर्कर्स एंड डेली टाइम. उनका डेली वर्किंग टाइम. अच्छा वर्किंग आवर्स. बाइसाइकल्स कितनी है? 100 बाइसाइकल्स. फर्स्ट कंडीशन. प्रोपोर्शनलिटी टेबल जो बना रहे हैं हम उसकी जो फर्स्ट रो में क्या आएंगे? नंबर ऑफ बाइस. फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट रो में फर्स्ट कंडीशन का नंबर ऑफ बाइसाइकल 100. वर्कर्स कितने हैं? 25. और डेली टाइम कितना ले रहे हैं वो? 4 हॉर्स. अच्छा सेकेंड कंडीशन सेकेंड रो में टेबल की बाइसाइकल्स कितनी होगी? एक्स. वर्कर्स कितने हो गए? 40. एंड डेली टाइम डेली टाइम उनके पास है 3 हॉर्स. अच्छा अब प्रोपोर्शनैलिटी चेक करते हैं इनके. पहले बाइसाइकल्स एंड वर्कर्स ने बाइसाइकल्स एंड वर्कर्स अगर वर्कर्स ज़्यादा कर दिए जाएं तो बाइसाइकल्स भी इंक्रीज़ कर देंगे. नंबर ऑफ बाइसाइकल जो प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो भी इंक्रीज़ कर देंगे. अगर वर्कर्स ज़्यादा हो तो इसको हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा? सेम एरो. एक्स अगर इंक्रीज बाइसाइकल्स इंक्रीज करेंगे तो वर्कर्स भी क्या कर जाएंगे? इंक्रीज. अच्छा
इसी तरह बाईसाइकल्स अगर डेली हॉर्स डिक्रीज कर रहे हैं तो बाईसाइकल्स भी क्या कर देंगे, डिक्रीज। वर्कर्स के इंक्रीज करने से बाईसाइकल्स क्या होगी, इंक्रीज। एक चीज़ के इंक्रीज करने से दूसरी चीज़ इंक्रीज कर जाए तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डेली टाइम के डिक्रीज करने से बाईसाइकल्स क्या कर जाएंगी, नंबर ऑफ बाईसाइकल्स डिक्रीज कर जाएंगी तो ये भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। एक चीज़ का डिक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज कर जाए या एक चीज़ के इंक्रीज करने से दूसरी चीज़ इंक्रीज कर जाए क्वान्टिटी, तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इसका भी साइन सेम आएगा जिस तरह फर्स्ट टू का साइन आया था, तो प्रोपोर्शनलिटी टेबल बन गया। तीनों क्या हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो लिखेंगे देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन बाईसाइकल्स वर्किंग वर्कर्स एंड बाईसाइकल्स एंड डेली टाइम्स, एंड इट इज देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन बाईसाइकल्स बिटवीन एंड वर्कर्स एंड बाईसाइकल्स एंड डेली बाईसाइकल्स बिटवीन बाईसाइकल्स एंड वर्कर्स एंड बाईसाइकल्स एंड टाइम। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है बिटवीन साइकिल्स एंड वर्कर्स और बाईसाइकल्स एंड टाइम के, एंड इट इज रिटन। अब इसे लिखेंगे किस तरह, इसको हम लिखेंगे एक्स से एरो स्टार्ट हो रहा है, उसकी टेल है तो एक्स ऊपर 100 नीचे। प्रोपोर्शनैलिटी बाईसाइकल्स और वर्कर्स और बाईसाइकल्स और डेली टाइम के दरमियान है, इसलिए इक्वल का साइन एक्स ओवर 100 के बाद। फिर आएगा 40 ओवर 25 एंड 3 ओवर 4 इंटू 3 ओवर 4। एक्स ओवर 100 इंटू 40 इज इक्वल टू 40 ओवर 25 इंटू 3 ओवर 4। यहां इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर स्ट्रीम और मीन्स के लिहाज से लिखना हो आपने, एक्स सैम्बल 100 प्रोपोर्शनैलिटी सैम्बल और 45 रेशो 25 एंड 4 रेशो 3। एक्सट्रीम्स इसमें एक्स और 25 एंड 3 क्या है, एक्सट्रीम्स हैं। एक्सट्रीम्स क्या है, एक्स 25 एंड x 25 एंड सॉरी इधर लिखेंगे 3 ओवर x 25 3 ओवर 4 इधर आएगा, सॉरी 3 एंड 4 x 25 एंड 4 क्या है, एक्सट्रीम्स हैं। 100 40 एंड 3 मीन्स हैं हमारे पास। अच्छा उसके बाद ऊपर आ जाए नीचे से, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे डाउन से। आप आगे में क्या लिखेंगे जी, x इज इक्वल टू 100 यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 100 इज इक्वल टू 40 ओवर 25 इंटू 3 ओवर 4 इंटू 100। 100 जो है इसके डिनोमिनेटर में था, यहाँ जाके नॉमिनेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा 40 सोने से अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा x जो आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 120। x इक्वल टू 120 क्योंकि x क्या है, साइकिल्स है, साइकिल्स की x क्या थे हमारे पास, बाई साइकिल्स, तो x क्या आ जाएगा 120 बाई साइकिल्स, यही हमारा जवाब है, x इक्वल टू 120 बाई साइकिल्स।